मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, टिकल योर ब्रेन, यानी ब्रेन का यूज़ करके हमें अपना इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस प्रमोट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली एंड आंसर। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि वो क्रिटिकल यानी कठिन से कठिन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके और उनके आंसर्स दे सके। इट हेल्प्स देम थिंक बियॉन्ड द लिटरल कंटेंट गिवन इन देयर टेक्स्ट बुक। ये उनके जो कंटेंट यानी लिटरल यानी जो बुक्स में वो रीड करते हैं उसके अलावा उनके माइंड को शार्प करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके थ्रू वो अपने माइंड को और शार्प कर सकते हैं और चीज़ों को याद कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। वॉट नीड्स टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज़ इट। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तोड़ना चाहिए जब उसे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो है साइलेंस यानी शांति। साइलेंस यानी शांति या चुप्पी, जब वो टूटेगी तभी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। SILENCE SILENCE साइलेंस। नंबर 2 है, इट इज़ रेनिंग एट 3 PM। अब 3 PM पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। विल इट बी सनी एट 12 AM, तो क्या 12 AM पे सनी होगा, तो नो, क्योंकि जब 3 PM पे बारिश हो रही है तो 12 AM पर भी बारिश हो रही होगी। नंबर 3 है, नेम द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन बॉडी पे कौन सा दिखाई देता है ह्यूमन इंसानों के, तो कौन सा आता है, त्वचा यानी स्किन। स्किन जो होती है वह ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। स्पेलिंग है SKIN स्किन SKIN स्किन। नंबर 4 है, देयर आर 4 सिस्टर। माला इज ड्राइंग अ पिक्चर, मोना इज रीडिंग अ बुक एंड मिनी इज प्लेइंग कैरम। व्हाट इज द 4 सिस्टर डूइंग। अब यहाँ पर 4 सिस्टर है जिसमें से माला क्या कर रही है, पिक्चर ड्रॉ कर रही है, मोना क्या कर रही है, बुक रीडिंग कर रही है, और मिनी क्या कर रही है, कैरम खेल रही है। तो 4 सिस्टर क्या कर रही होगी, अब मिनी जब कैरम खेल रही है तो अकेले तो खेल नहीं रही होगी, उसके साथ कोई ना कोई खेल रहा होगा, तो मिनी भी क्या कर रही है, तो जो 4 सिस्टर वो क्या कर रही है, प्लेइंग कैरम विद मिनी, वो मिनी के साथ में कैरम खेल रही है, क्योंकि कैरम अकेले नहीं खेला जाता, या तो 2 पर्सन खेले, 3 खेले या 4 खेले, लेकिन अकेले हम कैरम को नहीं खेल सकते। सो क्या आंसर होगा इसमें, प्लेइंग कैरम विद मिनी, जो 4th सिस्टर है वो कैरम खेल रही है मिनी के साथ में। नंबर 5 है, वॉट बिकेम स्मॉलर वेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। वो क्या चीज़ है जो छोटी हो जाती है जब उसे आप अपसाइड डाउन को टर्न करते हो, तो क्या है, नॉस्ट्रल्स यानी हमारे लंग्स यानी हमारी नोज का जो एरिया होता है वो अपसाइड डाउन हो जाता है। स्पेलिंग इज NOSTRILS NOSTRILS नॉस्ट्रल्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। अब इनमें से सब लीप ईयर कौन सा है, 2018 2026 2032 2058, तो इनमें से लीप ईयर कौन सा है, 2032 जो है वो लीप ईयर है। वैन कैन अ नेट होल्ड वाटर। अब नेट जो है यानी जाल, जिसे आप जाल कहते हैं, नेट जो है वो पानी को यानी वाटर को कब होल्ड कर सकता है, तो कब होल्ड कर सकता है, व्हेन इट इज़ आइस, जब वो आइस में यानी कि बर्फ के रूप में जमा होगा तो नेट जो है पानी को होल्ड कर सकता है। नंबर 8 है, इज़ इट अ 3-letter verb। ये 3-letter का वर्ब है, इट बिगनिंग विद ई, जिसकी शुरुआत ई से होती है। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स, अगर आप इसके लेटर्स को इधर उधर करके रीअरेंज करोगे, यू गेट इट पास्ट फॉर्म, आप इसके पास आपको इसका पास्ट फॉर्म मिल जाएगा। वॉट इज़ द वर्ब, अब कौन सी वर्ब है, तो ईट EAT ईट, और इसको रीअरेंज करेंगे तो ATE एट, तो ये पास्ट फॉर्म हो जाता है, तो ईट जो है वो हमारा वर्ब है। मोर टू नो में देखिए, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 February एवरी ईयर टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय CV रमन। जो नेशनल साइंस डे है वो 28 February को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों,
क्योंकि वो मार्क किया गया है डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, जो किसने फाइंड आउट किया था, सीवी रमन ने. सो स्टूडेंट डू चैप्टर नंबर 4 इन योर बुक्स एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. थैंक यू. हैव अ